हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूरोप महाद्वीप। इससे पहले हम लोग एशिया महाद्वीप कंप्लीट कर चुके हैं वर्ल्ड मैपिंग की, तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप का ये वीडियो लेक्चर दूसरा पार्ट है। इससे पहले वीडियो लेक्चर यूरोप का फर्स्ट हो चुका है, अगर आप देखे नहीं हैं तो प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में वर्ल्ड मैपिंग को आपको मिल जाएगा। देखेंगे, यहाँ देखिए, ठीक है, ये आपका नॉर्वे है, आपका ये नॉर्वे स्वीडन, नॉर्वे स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड, ये ऊपर मिलेगा आपको आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड। आप यहाँ आएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर। फिर ये बाल्टिक सागर का भाग आता है इस अंदर में, यहाँ पे तो होता है बोथनिया की खाड़ी, बोथनिया की खाड़ी, ठीक है। ये फिनलैंड है, फिनलैंड के नीचे यहाँ पे आती है, यहाँ पे फिनलैंड की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी, ठीक है। इसके नीचे आप यहाँ आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक देश मिलेगा आपको, ये जो देश दिख रहा है आपको, ये देश मिलेगा आपको एस्टोनिया, एस्टोनिया, ठीक है। ये देश कौन सा है? एस्टोनिया। फिर ये जो देश है ये है लाटविया, लाटविया, ठीक है। और जो ये जो देश मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो देश है लिथुवानिया, लिथुवानिया, ठीक है। जो तीन देश हैं, इस तीन देश को कहते हैं हम लोग बाल्टिक देश। क्या कहते हैं? बाल्टिक देश, ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग बाल्टिक देश। तीन देश हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ठीक है। यहाँ पे है बाल्टिक सागर। लाटविया की जो राजधानी है रीगा, तो यहाँ पे मिलेगा आपको रीगा की खाड़ी, रीगा की खाड़ी, ठीक है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, तीन देश यहाँ हो गए, ठीक है। छोटा सा पार्ट यहाँ दिखेगा आपको, ये इस पर रूस कब्जा है, रसिया का भाग है, ठीक है। फिर इसके नीचे हम आएंगे, आपको मिलेगा यहाँ पे बेलारूस, बेलारूस, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा आपको यूक्रेन, यहाँ मिलेगा आपको मालडोवा। आप एटलस में मैप में देखते रहिए, ठीक है। ये प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, ठीक है। ये हो गया, इसके नीचे आप यहाँ आएंगे, आप यहाँ तो मिलेगा आपको पोलैंड, पोलैंड हो गया, जर्मनी, ये आपको डेनमार्क, डेनमार्क हो गया, ये आपका नीदरलैंड, नीदरलैंड, ठीक है, बेल्जियम, बेल्जियम, फ्रांस, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल। नीचे इधर आपको मिलेगा अफ्रीका, अफ्रीका, ठीक है। ए आयरलैंड, आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, आपको मिलेगा ये ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। ये आपको आइसलैंड, ठीक है। अब ध्यान यहाँ दीजिएगा, आपको देश यहाँ मिल रहा होगा फ्रांस,
ए फ्रांस है, ए जर्मनी है, ठीक है। फ्रांस और जर्मनी के बीच बॉर्डर पे यहाँ पे, ठीक है, आपको यहाँ मिलेगा लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग, ठीक है। यहाँ पे फ्रांस और जर्मनी के बीच बाउंड्री पे आपको मिलेगा लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान यहाँ दीजिएगा, ये स्पेन है और स्पेन और फ्रांस के बीच में यहाँ पे एक पर्वत है, ठीक है। कौन सा पर्वत है? पिरेनीज पर्वत, पिरेनीज पर्वत, ठीक है। पिरेनीज पर्वत के ऊपर में, पिरेनीज पर्वत पे ऊपर में यहाँ पे एक देश है अंडोरा, ठीक है। कौन सा देश है? अंडोरा। फिर नेक्स्ट यहाँ आइए, आपको मिलेगा ये इटली, इटली है। ये आपका स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड है आपका, ठीक है। और इसके आगे पे आएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया। अब ध्यान दीजिएगा, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच बाउंड्री पे एक देश आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक देश मिलेगा, ठीक है। वो देश है आपका लीचेस्टीन, क्या नाम है इसका? लीचेस्टीन, यहाँ लिख रहे हैं लीचेस्टीन, ठीक है। ये देश है एक लीचेस्टीन जो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिए, इसका नाम है लीचेस्टीन, ठीक है। ये आपका यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, वो यूरोप एशिया से अलग होता है यूराल पर्वत से, ठीक है। ये क्या है? यूराल पर्वत है, ठीक है, यूराल पर्वत है। तो ध्यान दीजिएगा कि यूरोप जो है एशिया से डिवाइड कैसे होता है। आप लोग बता चुके हैं कि यूरोप और एशिया एक ही प्लेट पे स्थित हैं, अलग अलग प्लेट नहीं है। यूरोप और एशिया एक ही प्लेट पे हैं, उस प्लेट का नाम है यूरेशियन प्लेट, ठीक है, यूरेशियन प्लेट, ठीक है। एक ही प्लेट पे क्या है? यूरोप और एशिया है, यूरोप एंड एशिया, ठीक है। यूरोप और एशिया क्या है? एक ही प्लेट पे है। कौन सा प्लेट पे? यूरेशियन प्लेट पे। तो बात करते हैं कि यूरोप और एशिया को फिर डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया है? काल्पनिक रेखा खींचा गया है। उसके लिए क्या किया गया है? काल्पनिक रेखा खींचा गया है। तो कैसे खींचा गया है, यहाँ पे देखिए, यूरोप एशिया से कैसे अलग होता है? यूरोप और एशिया, ठीक है, यूरोप एशिया के से कैसे अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पर्वत, कौन पर्वत है? तो पर्वत है यूराल पर्वत, यूराल पर्वत एंड काकेशस पर्वत, ठीक है। आप लोग बता चुके हैं काकेशस पर्वत क्या है, ठीक है। तो किस पर्वत से अलग होता है? यूराल पर्वत और काकेशस पर्वत से, ठीक है। झील, झील की बात करें तो आता है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, ठीक है। कैस्पियन सागर सागर नहीं है, ये क्या है? झील है, ठीक है। कैस्पियन सागर जो है खारे पानी का झील है, ठीक है, बता चुके आप लोग को। फिर आगे आते हैं सागर, सागर में आपको मिलेगा काला सागर एंड मरमरा सागर, ठीक है, काला सागर और मरमरा सागर। मरमरा सागर जो है भूमध्य सागर का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं जल संधि, वास्पोरस जल संधि, वास्पोरस जल संधि, ठीक है। कौन सी जल संधि अलग करती है यूरोप को एशिया से? वास्पोरस जल संधि, ठीक है। बात करते हैं नदी, नदी में आपका यूराल नदी, ठीक है। देश की बात करें तो अलग करती है तुर्की, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में टर्की। तो यूरोप को एशिया से अलग करने वाले ये हैं कौन कौन? अगर पर्वत की बात करें तो यूराल और काकेशस पर्वत अलग करते हैं, झील की बात करें तो कैस्पियन सागर अलग करता है, सागर की बात करें तो काला सागर और मरमरा सागर करता है।
और जल संधि की बात करें तो बॉस्फोरस जल संधि, नदी की बात करें तो यूराल नदी, और देश की बात करो तो तुर्की देश है, ठीक है, जो यूरोप को एशिया से अलग करता है। ठीक है, आप लोग को पहले बता चुके थे जब एशिया में पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो हम बता चुके हैं आप लोग को कैसे अलग होता है। फिर भी अगर आपको पता नहीं है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और प्रीवियस क्लास में वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं एशिया वाला क्लास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूरोप में पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पे, ये पश्चिम है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पे, जैसे जैसे हम लोग पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, ठीक है, आप देखेंगे कि पश्चिम से पूर्व की ओर अब जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे देश, ठीक है, देशों की संख्या कम होने लगती है, देशों की संख्या कम, जनसंख्या कम, ठीक है, इधर आपको बहुत सारे देश मिलेंगे, इधर आपको बहुत सारे देश मिलेंगे, बट आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो इधर से देखेंगे आपके देश के देश कम होने लगते हैं, इधर जो देश जनसंख्या जो है धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ पे जो ये रसिया है, क्या है, रसिया है, रूस है, तो रूस ये जो है रसिया है, रसिया, ठीक है, ये रसिया है, रसिया का जो रसिया है, अब यूराल पर्वत के इधर जब जाएंगे तो इधर क्या है, साइबेरिया, साइबेरिया, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी राजधानी यहाँ पे मास्को है, कौन सी है, मास्को, जब मास्को से आप इधर पूरब की ओर जाएंगे, ठीक है, मास्को से पूरब की ओर जाएंगे मतलब साइबेरिया तरफ जाएंगे तो इधर आपको शहर जनसंख्या बहुत कम मिलेंगे आपको। ठीक है, अब देखते हैं कि जब पश्चिम से पूरब की ओर जाते हैं तो देश कम होने लगते हैं, ठीक है, वहाँ जनसंख्या कम होने लगती है। ठीक है, तो बात यहाँ आती है कि साइबेरिया इतना ठंड क्यों है, साइबेरिया जो है वो बहुत ठंड है। ठीक है, साइबेरिया जो है यूराल पर्वत के जो पूर्वी साइड इधर साइबेरिया है और यूराल पर्वत के जो पश्चिम साइड है इधर आपका रूस हो गया, रसिया हो गया, इधर यूरोप हो गया। ठीक है, तो रूस रसिया जो है इधर का यूरोप का जो देश है इतना ठंड नहीं है, बट यूराल पर्वत के पूर्वी साइड का जो रसिया इधर है रूस है और साइबेरिया क्षेत्र है बहुत ज़्यादा ठंड क्षेत्र है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, तो ऐसा क्यों है, तो इसके पीछे रीज़न ये है कि जो साइबेरिया है, ठीक है, साइबेरिया क्या है, ध्रुवों की ध्रुव जो है उसके बहुत निकट है, जो नॉर्थ पोल है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव है उसके बहुत नज़दीक है। तो बात ये भी आती है कि जब साइबेरिया जो है उत्तरी ध्रुव के सबसे नज़दीक है, ठीक है, तो यूरोप के जो देश हैं इबरसिया और इधर नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये सब भी उत्तरी ध्रुव के नज़दीक हैं, तो इधर इतना ज़्यादा ठंड क्यों नहीं है। बात को यहाँ समझेंगे आप कि यूराल पर्वत के जो पूर्वी साइड जो साइबेरिया है, पूर्वी साइड जो यूरोप है, साइबेरिया क्षेत्र है, वो ज़्यादा ठंड है। ठीक है, तो ठंड क्यों है, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव में मतलब ये नॉर्थ पोल में सबसे निकट है। ठीक है, तो बात ये आती है कि यूराल पर्वत की इधर जो पश्चिमी साइड जो अपना यूरोप है, यूरोप का जितने सारे देश हैं, है ना, तो ये भी जो देश हैं ये भी आते हैं नॉर्थ पोल के निकट आते हैं। ठीक है, बट इधर यहाँ पे इतना ठंड नहीं है। ठीक है, तो इसके पीछे कारण क्या है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि साइबेरिया जो है वो साइबेरिया बहुत ठंडा क्षेत्र है, साइबेरिया क्या है, बहुत ज़्यादा ठंड क्षेत्र है, परंतु इधर यूरोप का जो देश हैं साइबेरिया के अपेक्षाकृत गर्म है, साइबेरिया के अपेक्षाकृत गर्म है। साइबेरिया की ठंड होने का मेन रीज़न ये है, मेन कारण ये है कि ये उत्तरी ध्रुव के निकट है। तो बात है कि ये जो यूरोप का जो देश है, रसिया है, जो सारे देश हैं, ये भी समान अक्षांश होने के बावजूद, समान अक्षांश होने के बावजूद, उत्तरी ध्रुव के निकट में होने के बावजूद ये अपेक्षाकृत इतना ठंड नहीं है, साइबेरिया के अपेक्षाकृत ये इतना ठंड नहीं है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि साइबेरिया जो है, साइबेरिया है, साइबेरिया का जो भूखंड है वहाँ पे महाद्वीपीय सिद्धांत काम करता है। क्या काम करता है, महाद्वीपीय सिद्धांत। ठीक है,
तो वहां पे क्या काम करता है, महाद्वीपीय